सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग देखोगे और जानोगे माय एक्सपीरियंस इन टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ ओडिशा। सो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा कॉलेज विक्रमदेव कॉलेज होचे ओडिसा बीएससी कंप्यूटर साइंस एथिरे जति कि हमरा एनसीटी कॉलेज आसे कि हमरा एमए मोर एसोसिएशन सेक्रेटरी हम इंडियन नंबर मूवी चाहि कि हम नाटोरे बसी बसी गिव अ स्पेशल थैंक। तो 5 वर्ष होला दिस इज द न्यूली कंस्ट्रक्ट घरे घरे 1000 दम रे स्टूडेंट मन कर थ्री शॉर्ट स्पैन ऑफ मोहितर प्रेसिडेंट सर टुडे इज नवंबर 6 विश कर किछ कहबे तो दिस इज द रेट एंजॉय करथिली एवरी ईयर वी एक मु लाइन मा आसी पारे पाकर हॉस्टल पति पे आशा करे मु जीती ला मानन को पई को क्वाट तो माने की नाव दे तो अभी हम जाएंगे सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं हर किसी की जिंदगी में कॉलेज लाइफ इज़ वेरी मच मेमोरेबल एंड मेरे भी मेरे कॉलेज लाइफ बहुत ही मेमोरेबल है। एंड मुझे जैसे कि हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप इतना सारा वीडियोस बनाते हो और इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो आपका ब्लॉग्स बनाने के लिए, तो आपको स्टडीज़ रिलेटेड के बारे में इतना शेयर नहीं करते। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं वीडियोज़ बनाना शुरू किया तब मैं कॉलेज का वीडियोज़ ही बना रहा था, जो कि अभी लोग नहीं जानते क्योंकि आजकल मैं फूड ट्रैवल इंडस्ट्री में आ गया, ट्रैवल वीडियो और फूड वीडियोज़ बनाता हूँ। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ मेरा कॉलेज लाइफ कैसा है, मेरा स्कूलिंग कहाँ हुआ, मेरा सब कुछ क्या क्या सब है उसमें इस वीडियो में आप लोग लिए मैं शेयर करूँगा। फिर बोल सकते हैं नहीं तो मेरा जो वीडियो बनाना का तरीका बोल सकते हैं वो बीडी कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं कभी भी कोई भी इवेंट होता नहीं तो सेमिनार्स होता है नहीं कुछ भी फंक्शन होने से मैं जो भी गेस्ट आने से उनका इंटरव्यूज़ ले रहा था, ऐसा एक कनेक्शन बढ़ रहा था मेरा। एंड टू बी वेरी फ्रेंड, एक्चुअल ग्रोथ मुझे मिला हमारा कॉलेज में एक स्ट्राइक हुआ था विक्रमदेव ऑटोनॉमस कॉलेज को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने के लिए एक स्ट्राइक किए थे। एंड उस स्ट्राइक में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोग जाने एंड बहुत अच्छा लोग पसंद भी किए मेरा कंटेंट, मेरा अपडेट्स को। तो वहाँ से ही मेरा एक्चुअली ग्रोथ होना पता चला एंड एक्चुअली कंटेंट को इम्पोर्टेंस पता चला एंड कॉलेज में बहुत सपोर्ट मिला। तो तब से मैं वीडियोस बना रहा था, वो भी फेसबुक पे बना रहा था एंड वो सब वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अभी कभी भी अगर बीडी कॉलेज हंगर स्ट्राइक मानने से मेरा बहुत सारे वीडियोस आएंगे एंड लोग भी बहुत पसंद भी किए थे। आफ्टर हंगर स्ट्राइक लोग बहुत सारे एक्साइटेड है कि साई नेक्स्ट क्या करेगा, कौन सा वीडियोस अपलोड करेगा, तो इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाना शुरू किया। बेसिकली मैं लोकल कंटेंट प्रेफर कर रहा था, जैसे कि किसी का इंटरव्यूज़ ले रहा था, कोई अगर कुछ फेमस होने से, कोई भी कुछ काम करने से, अच्छा काम करने से उनका इंटरव्यूज़ ले रहा था। ऐसे ही मैं एक बार एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी स्टार्ट किया, जैसे कि हमारा बीडी कॉलेज में कोई अगर एक्स प्रेसिडेंट्स थे, वाइस प्रेसिडेंट्स थे, उनका एक वीडियोज़ लिया, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारा कॉलेज के जब भी इलेक्शन 3 साल में हुआ था मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उनका इंटरव्यूज़ लिया, उनका कैंपेन में हेल्पफुल किया। एंड मेरा भी एक मन में था कि मैं भी कुछ इलेक्शन में होऊंगा, इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा, इलेक्शन में राइट कैंडिडेट को जिताऊंगा, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा एक अच्छा भी मेमोरीज है कि मैं एनसीसी में था, मेरा बी सर्टिफिकेट भी क्लियर हो गया एंड वो सब वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अगर मैं बोलूँगा मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय विक्रमदेव ऑटोनॉमस कॉलेज इन डिग्री लाइफ, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। एंड अभी भी मैं वो सब याद करता हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें मैं वक्त जो बिताया था उनके साथ, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज, बिकॉज वो जो चीज़ें मैं उनसे सीखा, जो चीज़ें उनसे मैं मिला वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता। एंड अभी भी मैं किसी को भी मिलता हूँ, कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरा टीचर्स के वजह से, मेरे फ्रेंड्स के वजह से, उनका कोऑपरेशन वजह से, क्योंकि उस वक्त मेरा बस कुछ भी नहीं था। एंड बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मुझे इतना हेल्पफुल किए एंड इतना सपोर्ट किए एंड उस वक्त से उस सपोर्ट के वजह से मैं आज ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, इतना मोटिवेटेड फील करता हूँ। एंड बहुत सारे यादें भी उनके साथ जुड़े हैं एंड आज भी मैं कभी भी किसी को याद करता हूँ तो डेफिनेटली मैं पुराना फोटोज़ देखता हूँ, खुश होता हूँ कि अच्छा इतने अच्छे फ्रेंड्स थे एंड उनके वजह से मेरा ज़िंदगी इतना चेंज हुआ एंड उनके वजह से मैं ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा हूँ। एंड डेफिनेटली आप लोग मेरा वीडियो, पुराना वीडियो देख सकते, आप सर्च कर सकते हो जयपुर ब्रांडेड से मीडी कॉलेज सर्च करने से आपको आ जाएगा, बहुत सारे वीडियोस आप लोग वो देख सकते हो।
सो अभी मैं आपको मेरे खलीकट कॉलेज बरमपुर के एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड सीरियसली खलीकट कॉलेज अ वेरी गुड कॉलेज एंड उसके साथ मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं वहाँ पर पीजी पढ़ रहा हूँ एंड टू बी वेरी फ्रैंक मेरे ज़िंदगी अगर चेंज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, ऑडियंस गेन किया इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैं खलीकट कॉलेज में ज्वाइन हुआ एंड सीरियसली मैं अभी भी बोलता हूँ, हमेशा बोलूँगा एंड मरते दम तक बोलूँगा अगर मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाया हूँ तो डेफिनेटली मैं खलीकट कॉलेज में ज्वाइन हुआ हूँ। इसलिए मैं कुछ कर पाया हूँ क्योंकि अगर मैं खलीकट कॉलेज में ज्वाइन नहीं होता, अगर मुझे सीट नहीं मिलता, डेफिनेटली मैं इतना कुछ नहीं कर पाता, इतना अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिलते। सो डेफिनेटली खलीकट कॉलेज अ वेरी गुड कॉलेज, वहाँ का जो भी सेमिनार्स हो, प्रोग्राम्स, पूजा, सब कुछ मैं एक्टिवली पार्ट किया एंड जैसे मुझे बीडी कॉलेज में जितना सपोर्ट मिला वैसे ही 101% खलीकट कॉलेज में मुझे सपोर्ट मिला। बहुत सारे अच्छे दोस्तों से मैं बनाया, डिपार्टमेंट के लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़कियां बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सपोर्ट कर रहे थे एंड बहुत अच्छे मोटिवेटेड फील कर रहे थे एंड टू बी वेरी फ्रैंक उसमें भी मेरा ग्रोथ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज इलेक्शन में। कॉलेज इलेक्शन में बहुत एक्टिवली पार्ट कर रहा था एंड जो कॉलेज एक्सपीरियंस में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिया जो कैंडिडेट्स थे, जैसे मेरा बीडी कॉलेज में जैसे मैं एक्चुअली ग्रोथ हुआ, ऐसे ही मेरा खलीकट कॉलेज में एक्चुअली ग्रोथ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स के वजह से मेरा एक एक्सपीरियंस बढ़ा एंड बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड फील भी किया मैं एंड डेफिनेटली वो सब वीडियोस आप देखोगे अगर खलीकट कॉलेज बरमपुर अगर सर्च करोगे डेफिनेटली टॉप 5 टॉप 4 में मेरा वीडियोस आएगा एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग इतना सपोर्ट करते एक नया बंदे को एंड खलीकट कॉलेज में अगर पढ़ते हो, पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू मेक योर करियर इन पीजी एंड डिग्री लाइफ एंड डेफिनेटली आप मेरा वीडियोस देखो और आप लोग जान सकते हो कि खलीकट कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज होता है जैसे कि एनसीसी, नेवी, डिफेंस, वे सब कुछ होता है एंड डेफिनेटली आप लोग वो वीडियो देखो। एंड अगर मैं खलीकट कॉलेज के बारे में बोलूँगा तो डेफिनेटली RCMPG बॉयज हॉस्टल के बारे में बोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मैं रहता हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस क्योंकि अभी तक मैं कभी भी हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं किया, फील नहीं किया, तो पहली बार मेरे ज़िंदगी में मैं हॉस्टल लाइफ में रह रहा था एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था मुझे एंड मैं हमारा हॉस्टल में जो भी फंक्शन हुआ था, जो भी सरस्वती पूजा जैसे गणेश पूजा बहुत सारे होते थे उनमें से मैं एक्टिवली पार्ट कर रहा था एंड हमारा हॉस्टल के लड़के बहुत सपोर्ट कर रहे थे मुझे एंड जो भी चीज़ मैं अगर बनाऊंगा, जो भी चीज़ मुझे अगर बनाना है तो डेफिनेटली बहुत ही सपोर्टिव थे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बोल सकता हूँ अगर खलीकट कॉलेज बरमपुर में इतना नाम कुछ मेरा हुआ तो डेफिनेटली मेरा जो दोस्तों की वजह से ही हुआ है एंड डेफिनेटली उनका सपोर्ट की वजह से मैं इतना कुछ अचीव किया एंड डेफिनेटली ऑलवेज खलीकट कॉलेज बरमपुर मेरा ज़िंदगी में रहेंगे एंड डेफिनेटली उनके साथ बहुत कुछ यादें भी मेरे पास जुड़ी हैं। तो अभी मैं आपको बोलूँगा बरमपुर यूनिवर्सिटी के बारे में एंड टू बी वेरी फ्रैंक एक बरमपुर यूनिवर्सिटी के बारे में एक वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाया बरमपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अंदर क्या क्या है सब कुछ मैं आपको एक वीडियो फॉर्मेट में दिखाया था एंड उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अराउंड 10,000 व्यूज देखे एंड बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाए। डेफिनेटली वो वीडियो आप देखो क्योंकि उसमें अगर बरमपुर यूनिवर्सिटी आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड मैं कुछ अच्छा ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपको मेरा पुराना वीडियोस के बारे में एक्सपीरियंस बोलूँगा एंड दिस इज़ वन ऑफ द ट्राई। आपको कैसे लगा ये एक्सपीरियंस वीडियो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मेरा डिफरेंट कैटेगरी वीडियोज़ के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हो डेफिनेटली मेरा कमेंट करो, मैं आपको अपकमिंग डेज में वीडियोज़ बनाऊँगा एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ प्लान भी कर रहा हूँ, मेरा जो फूड सीरीज़ है, ट्रैवल सीरीज़ है, उसका रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ शेयर करने के लिए। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लव दिस वीडियो डेफिनेटली लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।